अंदर मार्क अच्छा नहीं चाहिए, ठीक है, खाली क्लियर बोल के नहीं चलेगा। ओके सो लेट्स गो अहेड। तो चलो भैया आगे की तरफ चलते हैं नाउ। अच्छा फैट, यहाँ गलती से यार एक प्रोटीन रह गया, इसको फैट लिख देना बाद में आप। चलो मैं इसको रिकैप कर लेता फिर। सर बकल कैविटी में तो फैट नहीं डाइजेशन होते, डाइजेस्ट प्रोटीन भी नहीं होते, होता है क्या? हाँ कुछ भी नहीं होता, बकल कैविटी में खाली कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो सकता है, ना फैट ना प्रोटीन, ठीक है, दोनों के दोनों चीज़ें डाइजेस्ट हो ही नहीं सकता, ओनली कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि उसके ऊपर कृपा बरसती है किस किस एंजाइम की, आप ही बोलो, जिसने क्वेश्चन किया वही आंसर देगा। बगल कैविटी के अंदर कह रहा था ओनली किसका डाइजेशन होता है सर, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, क्योंकि उसके ऊपर कृपा बरसती है, किस एंजाइम की कृपा बरसती है बेटा, जिसने क्वेश्चन किया वो आंसर कर सकता है। तुमने भी क्वेश्चन किया था, तुम आंसर दिया, हाँ सलावरी अमाइलेज से कृपा बरसती है, ठीक है, इसलिए होता है ऐसा। चलो ठीक है, जिसने क्वेश्चन किया उसने आंसर नहीं दिया, तो क्या करे यार। चलो ठीक है, देखो भैया तो हम थे कहाँ पे, एक बार फैट को रिकैप कर लेते फिर प्रोसीड करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट याद रखो स्टमक, स्टमक के अंदर कई बार लोग धोखा खा लेते, उनको लगता है स्टमक के अंदर लाइपिस थोड़ी हो सकता है, क्योंकि देखो इसका रीजन क्या है, आप में तो पता है गैस्ट्रिक लाइपिस, क्योंकि ये पैनक्रेटिक ग्लैंड है ना, पैनक्रेटिक ग्लैंड बड़े काम की ग्लैंड है, मतलब वो मोस्ट ऑफ चीजें डाइजेस्टिव एंजाइम उससे निकलते, बहुत सारे, बहुत वैरायटी के है ना, बहुत वैरायटी के, मतलब कल ही देखा हमने प्रोटीन को डाइजेशन करने वाले कितने सारे ये निकलते हैं, इवन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड तीनों को तीनों डाइजेस्ट करने के लिए मतलब उसके पास एंजाइम है। अभी आप ही बताओ, ठीक है, चलो जनरलाइज चीज है, मैंने अगर बोला लिपिड डाइजेशन के लिए कुछ है क्या, तो आप क्लियरली बोल सकते हो क्या है उसके पास, पैनक्रेटिक लाइपेज उसके पास है। मैंने अगर पूछा उसके पास कुछ कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए कुछ एंजाइम है क्या, तो आप आंसर करोगे, सब लोग लगा सर आप आंसर करोगे कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए नहीं है, अरे बाबा अब क्या आप लोग भी, पैनक्रेटिक ग्लैंड के पास कोई एंजाइम नहीं है कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन करने के लिए, कोई भी नहीं है। अब देखो ऐसा करते हो यार आप लोग, है अच्छा है तो क्या है बताओ क्या है, ओके साक्षी ने आंसर दे दिया, वेरी नाइस, राधिका ने भी आंसर दिया, बाकी लोग खाली है बोले, लेकिन तब तक आंसर आना चाहिए था, लड़के आगे जा रहे हैं, सौरभ को थोड़ा लड़कियां थोड़ी आगे जा रही है आप सब लोग, लड़के लोग क्या कर रहे हैं, ओके पैनक्रेटिक अमाइलेज क्या बोलते हैं उसको, यस चलो ठीक है, अगर मैं पूछा आपको, चलो ठीक है हमें लगा स्टमक, अच्छा स्टमक के पास, ओके कोई दिक्कत नहीं, ऐसा लगना नहीं चाहिए, ठीक है थोड़ा कान शार्प रहना चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज मैं अगर बोलूं, ठीक है बेचारा पैनक्रेटिक, क्या वो प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है, इज देयर एनी, मतलब बंदे का कुछ काम है प्रोटीन डाइजेशन में, है या नहीं है, प्रोटीन का डाइजेशन करने में पैनक्रेटिक ग्लैंड बेचारी हेल्प करती नहीं करती है, नहीं करती ना, क्यों करेगी, उसका क्या मतलब, उसको क्या लेना देना ना? करती है, अच्छा आप टाइप कर रहे हो, चलो ठीक है अब हाँ नहीं बोलेंगे, अब डायरेक्टली हाँ कर, अभी देखो डायरेक्टली आंसर दो, करती है तो कैसे कर सकती है, हाउ इज इट पॉसिबल, क्या रहता है उसके पास, प्रोटीन डाइजेशन के लिए क्या हेल्प करती है, मतलब ऐसे बोल दिया काम खत्म हो गया, नहीं भैया नहीं, कुछ तो होगा उसके पास, पैनक्रेटिक ग्लैंड, ये वेरी नाइस, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सी पेप्टिडेज, वेरी नाइस, एंटरोकाइनेज कैसे बोल रहे यार, एंटरोकाइनेज कौन रिलीज करता है, एंटरोकाइनेज तो इंटेस्टाइन रिलीज करता है ना, ड्यूडेनम रिलीज करता है, हाँ तो फिर एंटरोकाइनेज कैसे हो सकता है, ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन है ना, कार्बोक्सी पेप्टिडेज है ना, ये सब जा किसको बोल रहे हैं तो ओके यस एक्टिवेट करता है एंजाइम को, लेकिन एक ही एंजाइम को एक्टिवेट करता है, किसको करता है कौन बताएगा, एंटरोकाइनेज एक ही एंजाइम को एक्टिव करता है, अरे किसी की इच्छा हो गई तो बता सकते हैं, हाँ किसको करता है खाली, ट्रिप्सिनोजेन को, और ट्रिप्सिन बाकी सब मतलब इनडायरेक्टली एंटरोकाइनेज ही करता है, बट वहां से फिर उसको स्टार्टअप मिलता है, फिर इसका समझ में आ गया सबको, बहुत बढ़िया, तो यही मैं रिपीट कर रहा था, तो एक चीज याद रखो इस तरीके से बोल रहे थे ना कि हाँ, तो यहाँ पे गैस्ट्रिक लाइपेज के बारे में याद रखना है, फैट और फिर फैट ड्रॉपलेट, और ये जो प्रक्रिया है फैट ड्रॉपलेट, फैट का फैट के छोटे छोटे ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होना, स्मॉल स्मॉल है ना, तो इसके ऊपर कुछ ऐसे छोटे छोटे ये भी आते हैं, छोटे छोटे कुछ साल्ट पार्टिकल बैठते हैं ना ऐसे, वो क्या बोलते हैं इसको, फैट ड्रॉपलेट बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज फैट ड्रॉपलेट, फैट ड्रॉपलेट के नाम से इसको जानते हैं, और एक नाम है उसको मिसल भी बोलते हैं, मिसल्स बोलते हैं नहीं सिंपल चीज है, फैट के जब टुकड़े होते ना, यस प्रोसेस को एमल्सिफिकेशन बोलते, कुछ नहीं है बड़ा सा फैट है उसके उसके ऊपर साल्ट डाल दिया, कौन सा साल्ट,
बड़ा सा फैट है उसके ऊपर साल्ट डाल दिया, कौन सा साल्ट डालता है? मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, लेकिन आपको आंसर आना चाहिए। विच साल्ट ने मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम कौन सा साल्ट डालती है? बाइल साल्ट, सही बात है। जब बाइल साल्ट डालेगा तो क्या होगा कि उसके छोटे छोटे बॉल्स क्रिएट हो गए, छोटे छोटे, बड़ा था ना, बहुत बड़ा फैट था, छोटा छोटा फैट, तो उससे उस फैट को क्या बोलते हैं? फैट ड्रॉपलेट बोलते हैं। और उसका दूसरा नाम याद रखना मिसल, क्या है? मिसल पाव है, मिसल बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? मिसल्स, दिस आर कॉल्ड एज मिसल्स। अब क्लियर है? दूसरा नाम उसका मिसल से याद रखना, पढ़ेंगे हम अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन पता होना चाहिए। ओके चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ किसका डाउट था? किस कोई डाउट है बोल रहे, डाउट पूछो फिर मैं आगे जाता हूँ। यस एनी डाउट इज देयर? नहीं करना आस्को, नो प्रॉब्लम। चलो लिख के रखना, तब तक मैं आगे चलता हूँ, टाइप करने के लिए देर लगेगा लग रहा है। ओके अब चलिए आगे चलते। और फिर ये तो देखा था हमने, है ना, कि जब ये फिर ये फैट लेकर, इसका मतलब ये नहीं, फैट मतलब फैट के ड्रॉपलेट मान लो, छोटे छोटे, है ना। चलो और अच्छा ये लास्ट का रिपीट करना, रिपीट करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब लास्ट का रिपीट करने के लिए जिनका बायोमोलिक्यूल चैप्टर पक्का है वो अच्छे से मतलब समझ सकते हैं। अब जरा देखो मैं समझाता हूँ। फैट जो है ना, फैट फैट एक प्रकार से क्या है? लिपिड है। फैट एक प्रकार से क्या है? लिपिड है। ओके अब देखो लिपिड किससे बनता है, समझाता हूँ मैं आपको, तो तब समझ में आएगा, तो नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, पूरा ब्लैंक हो जाएगा आपको। बहुत सिंपल चीज है, तो सिंपल कैसे? देखो मैं, अच्छा बताओ पुराने वाले लोग, लिपिड कैसे बनते हैं? लिपिड 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 कैसे बनता पता नहीं किसी को भी? ओहो एक ग्लिसरॉल है ना, वन ग्लिसरॉल, एक क्या लगता है? ग्लिसरॉल लगता है, ग्लिसरॉल प्लस क्या लगेगा? तीन फैटी एसिड चेन। मैं सिंपल तरीके से दिखा रहा हूँ, अब केमिस्ट्री के फॉर्म में जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। अब जब तीन इन दोनों का रिएक्शन होता है ना, ये ग्लिसरॉल प्लस ये क्या, थ्री फैटी एसिड चेन, इनसे बनता है ना। तो अब जरा ध्यान देना, अब ध्यान देना, अब ये ग्लिसरॉल है ठीक है, अब इस ग्लिसरॉल से जरा ध्यान दो, अब इस ग्लिसरॉल को सब लोग ध्यान दो, अब इस ग्लिसरॉल को एक फैटी एसिड चेन लग गई, एक, उसको बोलते हैं मोनोग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड। ओके अब इसको दो लग गया तो क्या बोलेंगे? ट्राइग्लिसराइड। अब इसको तीन, सॉरी दो लग गया तो डाइग्लिसराइड बोलेंगे, तीन लग गया तो क्या बोलेंगे उसको? ट्राइग्लिसराइड। समझ में आ रहा है? और अब क्या बोल सकते हैं उसको? आइदर उसको ट्राइग्लिसराइड्स बोलो, नहीं तो क्या बोलो उसको, या फिर आप बोल सकते हैं लिपिड बोल सकते हैं, इट्स अ लिपिड। ये केमिकल नेम है, जैसे कि ट्राइग्लिसराइड इज अ केमिकल नेम, जैसे अल्कोहल होता है ना, अल्कोहल का केमिकल, या फिर क्या बोल सकते हैं आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेम अलग है, उसको इथेनॉल बोलते हैं, अल्कोहल को इथेनॉल बोलते हैं, वैसे केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे उसको? ट्राइग्लिसराइड बोलेंगे। लेकिन ग्रॉस लेवल पे क्या बोल सकते हैं उसको? लिपिड बोलेंगे, है ना। अब सिंपल है, अगर इसके ऊपर अगर हमने क्या डाल दिया? लाइपेज डाल दिया, लाइपेज नाम का एंजाइम डाल दिया, अब इसके ऊपर अटैक कर दिया, किसने अटैक कर दिया? है ना, एक एंजाइम आ गया, है ना, एंजाइम आ गया, और इसके ऊपर क्या करता है? तलवार से उसको मार रहा है, ठीक है, धड़ाधड़ उसको मार रहा है, चलो ठीक है, उसको बुशम बुशम उसको धक्का दे रहा है ना। सो ये एंजाइम कौन सा है? लाइपेज है। तो लाइपेज क्या करता है? मतलब धीरे धीरे से मारता है उसको, फटाक से नहीं मारता है ना। तो क्या करेगा? पहले इसका पहला एक सर का हिस्सा, मतलब ये एक फैटी एसिड की चेन निकालेगा फटाक से। अब एक फैटी एसिड की चेन निकालेगा तो क्या बनेगा? डाइग्लिसराइड बनेगा। फिर ये भी फैटी एसिड की चेन निकालेगा, एक एक करके चेन निकाल रहा है, देखो मान लो यहाँ से उसने एक चेन निकाल दिया, ये वाला चेन निकाल दिया, ये वाला चेन निकाल दिया, तो क्या बनेगा? ये बनेगा डाइग्लिसराइड। नाउ इट बिकम द डाई, है ना, दो ही बच गया ना, दो, ट्राई नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? डाई बोलेंगे। अच्छा अब ये दूसरा भी निकाल दिया उसने, दूसरा भी उठा दिया, तो क्या बोलेंगे उसको? मोनो। इसको भी उठा दिया तो मोनो बोलेंगे, सॉरी दिस विल बिकम द मोनो। अच्छा अब तो इसको भी उठा दिया, किसको? इसको भी उठा दिया, अब मोनो नहीं ना, कुछ भी नहीं, सारे के सारे फैटी एसिड चेन एक साइड में, क्या बच गया? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल बच गया एक एक साइड में। इसके पास क्या है? सब सब कुछ इसके पास क्या है? इसके पास बहुत सारे फैटी एसिड्स हैं, और अकेला क्या बच गया? ग्लिसरॉल बच गया। तो फाइनली अगर लाइपेज गिरता है तो क्या होता है? क्या होता है देखो जरा ध्यान दो, मान लीजिए यहाँ पे सुनो ध्यान दो सब लोग, फैट का मतलब है लिपिड बोला, अगर पैनक्रेटिक लाइपेज गिरेगा उसके ऊपर तो क्या होगा? एक फैटी एसिड की चेन निकाल दी, क्या बनेगा? डाइग्लिसराइड बने, डाइग्लिसराइड। फिर एक निकालो तो क्या बनेगा? मोनोग्लिसराइड बनेगा। बच्चे कुछ भी निकाले तो क्या बनेगा? फैटी एसिड सारे के सारे सेपरेट, ग्लिसरॉल सारा का सारा सेपरेट, दैट्स ऑल। तो वही हो रहा है, लाइपेज वही काम करता है। ये चीज कितने लोगों को समझ में आ गया? हाउ मेनी आर गेटिंग दिस पॉइंट? यस प्लीज। अब मुझे नहीं लगता कोई भूलेगा इस चीज को, क्लियर है सबको? जो नए लोग हैं उनको भी समझ में आ जाएगा, इतना सिंपल करके समझाया मैंने। ओके वेरी नाइस सर। कुछ लोग लैक्टोज इनटॉलरेंट
होते हैं। अच्छा लैक्टोज इंटॉलरेंट क्यों होते हैं? अच्छा लैक्टेज नाम का एंजाइम रिलीज होता नहीं होगा उनके पैनक्रेटिक ग्लैंड से, सो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम, इसलिए होता होगा उनके लिए, ठीक, दैट इज द रीजन। या फिर कभी कभार एलर्जी भी हो सकती है, मिल्क की एलर्जी भी हो सकती है, वो भी एक रीजन हो सकता है। देर आर वेरियस रीजन, मतलब डाइजेशन ना, जो डाइजेशन जो पेडिटेशन है उनको पता होता है रियल रीजन। लेकिन हम बोल सकते हैं दो रीजन बोल सकते हैं, वन इज वॉट, वन इज दैट इज पैनक्रेटिक ग्लैंड से लैक्टेज एंजाइम रिलीज नहीं हो रहा होगा, एक रीजन हो सकता है पैनक्रेटिक ग्लैंड आपके इंटेस्टाइन से लैक्टेज नहीं निकल रहा होगा। दूसरा रीजन ये हो सकता है मिल्क का एलर्जी हो सकता है, देर आर वेरीज, तो इसलिए इंटॉलरेंट हो सकते हैं, दो रीजन हो सकते हैं। ओके चलिए, तो दिस इज व्हाट अबाउट द फैट डाइजेशन, ये हो गया आपका फैट के डाइजेशन के लिए। ओके अब चलिए, अब एक और चीज याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट, दूसरा चीज पैनक्रेटिक ग्लैंड। अब देखो एक चीज, अब मुझे बताओ कितने लोग समझाते देखते हैं। अगर मान लो आपने क्या कर दिया, कोई प्लांट खा लिया, प्लांट लीफी वेजिटेबल खा ली, लीफी वेजिटेबल जैसे कि मान लो कोरिएंडर, कोथिंबीर बोलते हैं ना मराठी में, कोरिएंडर या फिर कैबेज जो भी खा लिया, वो जब खाते सब्जी बना दिया, सब कुछ बना, क्या उस सब्जी के अंदर डीएनए होता है नहीं होता है? मेरा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते कितना आंसर। अब जब खाते तो डीएनए होता ही नहीं होता खाने के अंदर, डीएनए कुछ लोग लग रहा है हम डीएनए थोड़ी खाते, होता है ना डीएनए? अच्छा कुछ लोगों को भरोसा लग रहा है, मैं लॉजिक दिया फिर मैं क्वेश्चन किया डायरेक्टली क्वेश्चन को, तो किसी आंसर होता है ना? अरे सिंपल है, अब सब्जी है, सब्जी सब्जी के अंदर सेल्स भी हो गए ना, अब सेल्स के अंदर न्यूक्लियस भी होगा, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए भी होगा, अब डीएनए तो खा रहे यार, अब फिर डीएनए का भी डाइजेशन करना पड़ेगा हमें। सही है ना? सो वी आर सपोज टू डू द डाइजेशन ऑफ व्हाट, डीएनए आल्सो। हाँ सर, डीएनए का भी डाइजेशन करना पड़ेगा ना, यस। तो कैसे कर सकते हैं? सिंपल है, पैनक्रेटिक ग्लैंड जो है ना, पैनक्रेटिक ग्लैंड याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लैंड के बारे में थोड़ा पहले से पता होना चाहिए। पैनक्रेटिक ग्लैंड है ना, पैनक्रेटिक ग्लैंड कुछ एंजाइम रिलीज करते हैं, मैंने बोला था कौन सा, न्यूक्लियेजेस, कौन सा एंजाइम, या मैंने पहले बताया था न्यूक्लियेजेस, इट रिलीज द न्यूक्लियेजेस, सॉरी न्यूक्लियेजेस। अब न्यूक्लियस मतलब क्या, न्यूक्लियस है क्या अल्टीमेटली, कुक करने के बाद मर जाता है। देखो सिंपल चीज है, डीएनए कुक करने के बाद भी मरता नहीं, ठीक, उसके पास बहुत स्टेबिलिटी रहती है। डीएनए इज द मोस्ट स्टेबल मैक्रोमोलिक्यूल इन एंटायर बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल के अंदर सबसे अगर सबसे स्टेबल मैक्रोमोलिक्यूल कौन सा है तो डीएनए आता है, समझ में आ रहा है? उसको 90 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर दिया ना तो खराब नहीं होगा, फिर भी इंटैक्ट रहता है। ये है, हम पढ़ेंगे ये बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर, उसके अंदर को पता चलेगा, हमें सेकंड ईयर में है चैप्टर, उसके अंदर पता चलेगा कि, या फिर एक मॉलिकुलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस पता चलेगा कितना स्टेबिलिटी हो सकता है डीएनए का। तो आपको गर्म करोगे तो कुछ होने नहीं वाला। किसी ने क्वेश्चन किया कि कुक करने के बाद मर जाता है, नहीं सर, सब्जी खराब कैसे होती है? सब्जी खराब होने के दो रीजंस हैं, एक तो बहुत दिन से रख रहे तो क्या हो सकता है, उसको अंदर से अंदर इन्फेक्शन स्टार्ट होता है, क्योंकि फंगल स्पोर एनवायरमेंट में रहते, फंगल स्पोर अगर गिरेंगे तो क्या होगा, सब्जी खराब होने लगती है। मतलब कौन सी सब्जी, हरी वाली या फिर बनाई बनाई वाली, दोनों का रीजन ही है, फंगल के स्पोर गिरेगा, फंगस ग्रो करेगी, हाँ भाई उसके ऊपर फंगल स्पोर गिरते हैं, फंगस ग्रो करता है, बैक्टीरियल ग्रोथ होती है उसके ऊपर, वो सड़ जाता है, उसका रीजन है सब्जी खराब होने का, ठीक है? ये पढ़ेंगे हम, ये तो पढ़ा था ना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर कि प्लांट को भी डिजीजेस होते हैं। ओके चलो, तो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा सर, एज लिखा ना, हाँ तो न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है सर, डीएनए रहता है, तो डीएनए को ब्रेक डाउन करने वाला एंजाइम रिलीज करते कौन रिलीज करते, पैनक्रेटिक ग्लैंड। देखो एक चीज है ना, ये इसमें एक और एक प्लस पॉइंट बोले माइनस पॉइंट बोले, आपको थोड़ा याद भी रखना पड़ेगा, जो याद रख पाएंगे ना वो फटाक से इन सबका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए होता है क्या, देखो आपको थोड़ा बहुत डीएनए के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, और मैंने बताया बहुत सारा चीज, वन शुड नो रिगार्डिंग द डीएनए, डीएनए के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। कैसे, देखो अगर मान लीजिए न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड किससे बनता है, इट्स अ चेन ऑफ व्हाट, चेन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए, मान लो चेन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड, एक चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है? अब देखिए इसके ऊपर न्यूक्लियस अगर एंजाइम डाल दिया हमने, न्यूक्लियस एंजाइम डाल दिया तो क्या होता है, न्यूक्लियस एंजाइम डालने से जस्ट नॉर्मल चीज देख रहे हैं, न्यूक्लियस डाला तो क्या होता है, या फिर इसके ऊपर डालेंगे, न्यूक्लियस नहीं डालेंगे, जस्ट बनता है, ये क्या है न्यूक्लियोटाइड, ये सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड, दिस आर व्हाट न्यूक्लियोटाइड है। अब न्यूक्लियोटाइड का चेन है, अब इसके ऊपर हमने एंजाइम डाल दिया, कौन सा, न्यूक्लियेज, सॉरी न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोटाइडेज, जस्ट वन मिनट, न्यूक्लियोटाइडेज, तो क्या होगा सर, सिंपल चीज है,
जितने सारे न्यूक्लियोटाइड्स एक चेन में बंधे हुए थे सारे के सारे सेपरेट हो जाएंगे, देखो सब ऑल आर गेट सेपरेटेड, सबके सब क्या हो जाएंगे सेपरेट हो जाएंगे। हाँ सर बिल्कुल सर, सबके सब सेपरेट हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, अब कौन बताएगा, अब सबके सब न्यूक्लियो न्यूक्लियोटाइडेस नाम का एंजाइम डाला हमने, कौन सा न्यूक्लियोटाइडेस, तो न्यूक्लियोटाइड की जो चेन थी सब टूट गई, अब सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड सेपरेट हो गए। इफ ऑल द न्यूक्लियोटाइड सारे के सारे एंजाइम अगर सेपरेट हो जाएंगे, है ना, ऑल सारे के सारे, नहीं नहीं एक मिनट रुको रुको रुको, हाँ हाँ सारे के सारे सेपरेट हो जाएंगे, बट एक मिनट रुको हम थोड़ा उसको उल्टा जा रहे हैं, ठीक है, जस्ट वन मिनट, मैं इसको ऐसे बताऊंगा तो वो समझ में नहीं आएगा, मैं स्लाइड लेके समझाता हूँ, जस्ट वन मिनट वन मिनट वन मिनट, आई विल गिव द आंसर। हम काम करते हैं, हम एक स्लाइड लेते तो उससे क्या होगा क्लियरिटी आएगा, ऐसे कुछ समझ में नहीं आता, इधर ही डायग्राम इधर सब कुछ है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, सो आई विल मेक इट वेरी सिंपल, मैं सिंपल बनाता तो समझ में आ जाएगा उसको, ओके। क्या हो गया मैं अचानक से फुटर नहीं आ रहे, लिखने के लिए कुछ नहीं आ रहे यहाँ पे, एक मिनट यहाँ पे तो नहीं आ रहा है, अच्छा ओके नो प्रॉब्लम, ओके ओके चलो ठीक है। अब मान लीजिए, मान लो, अब मान लो ये डीएनए है ना, डीएनए इससे क्लियर हो जाएगा, डीएनए चलो ठीक है, अब ये डीएनए है ओके कोई दिक्कत नहीं, हमें पता है यार डीएनए का कोई भी एक हिस्सा पकड़ लो, कौन सा यहाँ पे कुछ पकड़ लो, अब देखोगे तो इधर क्या मिलते हैं, वी नो वेरी वेल यहाँ पे क्या मिलता है, शुगर है ना, इस तरीके से शुगर मिलती है और इसके साथ एक फॉस्फेट मिलेगा है ना, और इधर क्या मिलेगा, नाइट्रोजन बेस मिलेगा, देयर इज वन नाइट्रोजन बेस इज देयर, यहाँ पे एक नाइट्रोजन बेस मिलेगा, अब इसको क्या बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, ये बन जाता है न्यूक्लियोटाइड, इसको बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड है सही बात है, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से क्या बनता है डीएनए बनता है, इससे क्या बनता है डीएनए, अब कैसे बनता है क्या बनता है डिटेल में गए थे लेकिन अभी के लिए याद रखो, व्हेन मेनी न्यूक्लियोटाइड्स कम्स टुगेदर उससे बनता है डीएनए, ओके। अगर मान लीजिए ऐसे अगर न्यूक्लियोटाइड के ऊपर क्या कर दिया हमने, न्यूक्लियोटाइडेस डाल दिया, न्यूक्लियोटाइडेस मैंने डाल दिया तो क्या होता है, देखिए उस केस में क्या होगा, अब ये क्या करता है, देखो सिंपल चीज है, क्या करेगा यार, इसका जो फॉस्फेट ग्रुप है ये एंजाइम क्या करता है, इसका जो फॉस्फेट ग्रुप है उसको उड़ा डालता है, इसको मिटा डाल देगा, मतलब यहां से इसको तोड़ डालेगा, अच्छा टूट जाएगा पूरा का पूरा, अब क्या बचेगा, कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बचेगा, खाली क्या बचेगा, एक शुगर बच जाएगी है ना, और एक नाइट्रोजन बेस बच जाएगा, सो व्हाट वी कैन से देयर इज वन नाइट्रोजन बेस, इस तरीके से। अब इसका नाम क्या, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे, सही बात है, ओके। अब इसके ऊपर भी फिर से एक एंजाइम डालेंगे, कौन सा एंजाइम डालेंगे, न्यूक्लियोसाइडेस नाम का एंजाइम डालेंगे, अगर इसके ऊपर हमने फिर से क्या कर दिया, न्यूक्लियोसाइडेस नाम का एंजाइम डाल दिया, अब क्या बचेगा, अब दोनों के दोनों क्या हो गए, फिर से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, शुगर भी सेपरेट, ये शुगर है, ये शुगर है, ये शुगर थी, ये शुगर थी, शुगर सेपरेट हो जाएगी, नाइट्रोजन भी सेपरेट हो जाएगा, सही बात है, तो क्या करेंगे, शुगर हो गया सेपरेट, ये शुगर मान लो शुगर सेपरेट हो गई, प्लस क्या नाइट्रोजन बेस, ये जो आपका एन बी था, एन बी मतलब क्या, नाइट्रोजन बेस भी क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, दैट्स ऑल। इस तरीके से क्या होता है, डाइजेशन होता है किसका, डीएनए का, इस तरीके से बोल सकते हैं, शुगर प्लस नाइट्रोजन बेसिस दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, ओके। इट इज डन बाय होम, किसके द्वारा किया जाता है, आपका पैनक्रेटिक ग्लैंड के द्वारा किया जाता है, ओके। नाउ हाउ आर गेटिंग दिस पॉइंट, यस प्लीज, अभी सबको क्लियर है, बहुत सिंपल करके समझाया कि क्या होता है, देखो यहाँ पे ये दिया है, न्यूक्लिक एसिड के ऊपर क्या कर गया, न्यूक्लियोटाइड है ना, न्यूक्लियोटाइड्स क्या कर, न्यूक्लिक एसिड किससे बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं ना, और न्यूक्लियोटाइड्स का फिर से ब्रेकडाउन किया तो क्या होगा, न्यूक्लियोसाइड्स बनेंगे और फाइनली क्या बनेगा, बेसिस बन जाएंगे, क्लियर है, बहुत सिंपल चीज था, ओके नाइस। चलो यार इसका मतलब आप सब लोग समझ गए, इस चीज को काफी सिंपल रहा और आप समझ गए, गुड। सो फाइनली डाइजेशन होने के बाद बनता क्या, देखिए यहाँ पे हल्का सा चार्ट दिया हमने, क्या देखा, देखो अगर कार्बोहाइड्रेट आ गए तो उनका डाइजेशन होने के बाद क्या बन रहा था, ग्लूकोज फ्रुक्टोज गैलेक्टोज, सिंपल फॉर्म बनता है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म था, ये सारे के सारे क्या है, ऑल आर कॉम्प्लेक्स फॉर्म, और सबके सब ये क्या है, दीज ऑल आर व्हाट, सिंपल फॉर्म, देखिए
कॉम्प्लेक्स टू सिंपल क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है ना, सारे के सारे सिंपल। कार्बोहाइड्रेट से क्या बनता है, ग्लूकोज फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज बनता है। प्रोटीन से क्या बनता है, अमीनो एसिड्स बनते हैं। फैट से क्या बनता है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल बनता है। ये सब क्या है, सिंपल फॉर्म है। जब कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनता है तो ये सब के सब क्या हो सकते हैं, इन सबको क्या कर सकता है, आपका जो इंटेस्टाइन है ना, इंटेस्टाइन क्या कर सकता है, उसको सर एब्जॉर्ब कर सकता है, उसका एब्जॉर्प्शन कर सकता है। अदरवाइज एब्जॉर्प्शन इन लोग अगर बोलोगे ना कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स भैया इनको एब्जॉर्ब करो, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, इट्स कम्प्लीटली इम्पॉसिबल, उसको एब्जॉर्ब करना बहुत मुश्किल है। तो इस फॉर्म में आएगा तो क्या कर सकते हैं सर, इस फॉर्म में आएगा तो क्या कर सकते हैं, हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ओके लाइकवाइज, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसको डील कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। ओके सो दिस इज होल अबाउट व्हाट, ये जितना कुछ पढ़ा हमने किसके बारे में पढ़ा, किस प्रकार से हमारे इसके अंदर क्या होता है, डाइजेशन होता है। तो इसके बारे में हमने अच्छे से क्या कर दिया, डील कर दिया। ओके चलो अभी एक्स्ट्रा चीजें हैं जो कुछ उसको डील करेंगे और फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। टिल नाउ किसी का डाउट है तो पूछ लो मुझे, फिर मैं आगे तरफ। एनी डाउट यू कैन आस्क, कुछ डाउट है तो पूछ ले, मैं उसको डाउट को सॉल्व करता हूँ और फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। कुछ किसी को पूछना है कि कैसे होता है क्या होता है तो, सो अदरवाइज वील गो अहेड नाउ। यस प्लीज, एनी डाउट और क्लियर है तो मैं थोड़ा ठीक है, मैं आगे तरफ निकलता हूँ। क्लियर है सब कुछ? ओके नो प्रॉब्लम। चलो तो हम थोड़ा पलटी मारते स्लाइड को, दूसरे पार की तरफ हम निकल करते प्रोसीड कर लेते। ओके आई विल कम टू द दिस पॉइंट, अब दूसरे स्लाइड की तरफ को समझ लेते आसान रहेगा। सर डाइजेशन ऑफ फैट ऑकर्स इन पैनक्रेटिक और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, पैनक्रेटिक ग्लैंड जूस रिलीज करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होगा ना, इट ऑकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके वही भी होगा भैया और कहीं नहीं होगा। ओके चलो ठीक है, इट्स अ स्मॉल क्वेश्चन। चलिए इको हो रहा है, अचानक से कैसे इको हो सकता है, है ना, क्लियर है ना। ओके सो लेट्स गो अहेड। तो अभी हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे डाइजेशन ऑफ फूड, मतलब वही हमने तो पढ़ लिया लेकिन एनसीईआरटी के अंदर थोड़ा डिटेल में दिया है तो उसको डील करेंगे। टेक्निकली तो समझ लिया बट एनसीईआरटी क्या बोलता है उसके बारे में डील करेंगे। ओके वन बाय वन। अब डाइजेशन ऑफ द, अब देखो ये तो सिंपल चीज है, ये तो मैंने पहले बताया, क्या बताया था आपको कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स चीज है उस कॉम्प्लेक्स चीज का कन्वर्जन किस में हो रहा है, सिंपल फॉर्म में हो रहा है ना। एनी कॉम्प्लेक्स है ना इनसोल्यूबल रहता है कोई भी चीज, अगर इसको सिंपल फॉर्म में कर दिया, एब्जॉर्प्शन फॉर्म में करना, उसी को क्या बोल सकते हैं, डाइजेशन बोल सकते हैं। अब डाइजेशन के अंदर तीन चीजें गिरती है, तीन, देयर आर थ्री थिंग्स आर प्रेजेंट। एक तो रहता है मैस्टिकेशन, मैस्टिकेशन मतलब चबाना, और कौन काम करता है, टीथ काम करते हैं, चबाने का काम करते हैं। डिग्लुटेशन, डिग्लुटेशन मतलब क्या, निगलना, इसको क्या बोलते हैं, सॉल्विंग करना, ये डिग्लुटेशन वर्ड आएगा तो कभी कंफ्यूज मत होना। और पेरिस्टालिसिस, उसके बाद क्या आता है उसके अंदर, ये मैकेनिकल प्रोसेस है, सारे के सारे मैकेनिकल प्रोसेस है। मैकेनिकल मतलब है ना चबाना, निगलना, और पेरिस्टालिसिस होना, इधर ये सब क्या है, दिस आर व्हाट, मैकेनिकल प्रोसेस, सारे के सारे मैकेनिकल प्रोसेस है। ओके अब देखिए पेरिस्टालिसिस क्या है सर, ये वेव लाइक मूवमेंट्स होते हैं ना, कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन होता रहता है इसोफेगस के अंदर। सो इट्स अ वेव लाइक मूवमेंट ऑफ द फूड बोलूस, बोलूस मतलब क्या बोल सकते हो, जो हमने चबा के उसके अंदर सलाइवा सब कुछ मिक्सिंग कर दिया ना, सलाइवा मिक्स कर दिया और छोटा सा इसका एक घास बोलते हैं मराठी में, उसी को बोलूस बोला जाता, पता होना चाहिए। और वो कहाँ होगा, गट के थ्रू क्या होगा, मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन के थ्रू क्या होगा, स्टमक की तरफ जाता है, लेकिन उस समय क्या बोल सकते हैं, मसल के जो कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, पेरिस्टालिसिस बोल सकते हैं उसको। ओके अब चलिए आगे की तरफ चलते हैं, दूसरी चीज को डील कर सकते हैं। ओके ये तो हमने पढ़ा था, मैं उस दिन बता रहा था, देखो हम अगर देखेंगे डाइजेशन को स्टार्ट करेंगे फर्स्ट, अगर हम बात करते बकल कैविटी की, बकल कैविटी मतलब है ना ऊपर वाला एरिया, तो बकल कैविटी के अंदर ओनली स्टार्च का डाइजेशन होता है, आपने सुना था, मैंने भी बोला था। ओके और स्टार्च का डाइजेशन कौन करता है, टाइलिन। अब टाइलिन का दूसरा नाम क्या है, अमाइलेज है ना, कन्वर्जन करता है सर किसका, स्टार्च, यानी स्टार्च एक पॉलीसेक्राइड है, पॉलीसेक्राइड मीन्स व्हाट, बहुत सारे शुगर्स, बहुत सारे मोनोसेक्राइड एक साथ जब आके कोई चीज क्रिएट होती है, बहुत सारे सेक्राइड, उसको बोलते हैं पॉलीसेक्राइड।
अब इनको तोड़ के क्या करता है, इनका डाइसैकेराइड बनाता है। तो ये बंदा देखो तोड़ रहा है, ये पॉलीसैकेराइड इसको दो दो हिस्से में काट रहा है, नहीं दिख रहा है, इन सबको डाइसैकेराइड में काट रहा है। ओके बट चलिए कोई दिक्कत नहीं। सो यहाँ पे एग्जैक्टली मतलब ये रिएक्शन दिया है तो पता होना चाहिए। स्टार्च का कन्वर्जन किस में हो रहा है, माल्टोज में हो रहा है। ये आइसो माल्टोज एंड लिमिटेड डेक्सट्रिन, ये एक्स्ट्रा चीज है सिलेबस के अंदर है लेकिन पता होना चाहिए। साथ साथ में कई बार क्या होता है, आइसो माल्टोज, आइसो माल्टोज मतलब माल्टोज की तरह दिखता है लेकिन स्ट्रक्चर थोड़ा अलग रहता है। एंड लिमिट डेक्सट्रिन ये भी एक क्रिएट होता है लेकिन ये सिलेबस में हमारे नहीं है लेकिन हमें पता होना चाहिए इसलिए हमें मैंने मेंशन किया। ओके अब इसके लिए पीएच आपको मैंने बताया था 6.8, 6.8 बिना पीएच के पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या, बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसके लिए इतना कंपलसरी पीएच आपको पता होना चाहिए। ओके और एक और चीज मैंने बोला था कि इसको स्ट्रिक्टली याद रखना, खाली 30% स्टार्च का डाइजेशन होता है कहाँ पे, माउथ के अंदर। बचा कुछ 70% काम कौन करता है यार, मैंने बोला था 70% काम कौन करता है, हु इज द पर्सन जो कि 70% काम करता है, बोलता कि अच्छा हमें पता ही नहीं है। हाँ नहीं, पैनक्रेटिक अमाइलेज। ओके प्लस आपका डिओडिनम, दोनों दोनों इन्वॉल्व होते हो। ओके चलिए ये स्टार्च का तो पैनक्रेटिक अमाइलेज करेगा डेफिनेटली, इफ यू थिंक अबाउट द स्टार्च तो पैनक्रेटिक अमाइलेज करेगा, बिल्कुल सही है। अब देखते डाइजेशन इन द स्टमक, अब स्टमक के अंदर क्या होता है, देखिए यहाँ सब कुछ कंबाइन फॉर्म में दे, एनसाइटी के अंदर जैसे ना वैसे दिया मैंने, लेकिन हमने सिस्टमेटिकली पढ़ा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट का अलग से पढ़ा इसलिए हमें कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन एनसाइटी के अंदर से पूरा कॉम्प्लेक्स करके दे उसको समझा रहा हूँ। चलिए अब ये तो बता यार, ये कुछ कुछ चीजें आपने पढ़ी होगी। स्टमक के पास एबिलिटी रहती है कितना, 4 से 5 घंटा क्या करता है, फूड को पेट के अंदर रखता है, यानी खाना खाने के बाद 4 से 5 घंटा उसका डेस्टिनेशन यहाँ पे मतलब हमारा जो फूड है, फूड स्टमक के अंदर 4 से 5 घंटा आराम करता है, लेकिन उसको स्टमक आराम करने देता है कि नहीं करता। स्टमक क्या करता है, मस्कुलर मूवमेंट करता है ना, एंड चर्निंग मूवमेंट करता है इस तरीके से, मतलब मसल के ऐसे मसल स्टमक के मसल से घूमते रहते हैं, उसको चर्निंग घुसलना बोलते हैं, चर्निंग मूवमेंट करता है। और चर्निंग मूवमेंट करके क्या करता है, उसके अंदर मिक्सिंग करता है सर, किसके, गैस्ट्रिक जूसेस, आपने रट लिया बहुत सारे गैस्ट्रिक जूसेस, उनको क्या करता है मिक्सिंग करता है। अब एक चर्निंग मूवमेंट करने के बाद क्या होता है, एक एसिडिक पेस्टी फॉर्म होता है, मतलब पेस्टी मतलब इट विल बिकम, अगर इतना मूवमेंट करेगा तो क्या होगा, इट विल बिकम पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर। ओके उसी को बोलते हैं चाइम, इट इज कॉल्ड एज द चाइम, उसको बोलते हैं चाइम। तो चाइम पता होना चाहिए, व्हाट इज एक्जेक्टली चाइम, वन शुड नो। ओके जो निगलते हैं उसको बोलूस बोलते हैं, पेट के आने के बाद उसका नाम क्या बन रहा है, चाइम बनता है। और चाइम के अंदर क्या क्या रहता है मैंने बताया था, किसी को याद है चाइम के अंदर क्या क्या रहता है, चाइम क्या सर इतना क्या अजीब सा वर्ड है, यस चाइम के अंदर क्या रहता है किसी को पता नहीं है। हाँ एस एच सी एल प्लस फूड रहता है, वेरी नाइस, एच सी एल प्लस फूड, इट्स अ चाइम। ओके और कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम रहता है लेकिन वो खत्म हो जाएंगे। अब चलो स्टमक के अंदर क्या होता है, देखिए कंबाइनली दिया है पेप्सिनोजेन है ना, हियर इज एन व्हाट पेप्सिनोजेन, मैं कलर चेंज करता हूँ मेरे ख्याल से ये दिखेगा क्लियरली। अब यहाँ पे क्या है, पेप्सिनोजेन है, पेप्सिनोजेन पे एचसीएल गिरा तो क्या बनता है सर, पेप्सिन बनता है, कोई दिक्कत नहीं। ओके अब वही पेप्सिन, सेम पेप्सिन क्या कर रहा है उसके ऊपर, ये क्या करेगा किसी प्रोटीन के ऊपर एक्ट होगा पेप्सिन, तो क्या बनेगा पेप्टोन्स बनेंगे, पेप्टोन्स एंड प्रोटोजिस बनते हैं, यहाँ पे मेंशन नहीं किया। ओके अब एक और चीज याद रखना, इंटेस्टाइन के अंदर क्या रहता है, प्रोरेनिन रहता है, प्रोरेनिन। अब प्रोरेनिन के ऊपर अगर एचसीएल गिरेगा तो क्या बनता है, रेनिन बनता है, इट क्रिएट व्हाट, रेनिन। जरा ध्यान देना मैं समझा तो, ये शायद आपको पता नहीं होगा। ओके वन मिनट, आई विल टेल एग्जैक्टली क्या होता है। डिग 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 चाहिए कुछ, चलिए ही कलर यूज करना पड़ेगा लग रहा मेरे ख्याल से, तो बेटर रहेगा इसको यूज करेंगे। अब जरा ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चों, मैं कलर यूज करके बताता हूँ एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब जो छोटे बच्चे रहते हैं ना, छोटे बच्चे स्मॉल बच्चे, अब स्मॉल बच्चे जो है वो मिल्क दूध पीते बच्चे रहते हैं ना, दूध पीते बहुत सारा, दूध के अलावा कुछ खाते ही नहीं है। अब याद रखना दूध के अंदर शुगर रहती है, कौन शुगर रहती है, लैक्टोज शुगर रहती है इसके अंदर। अगर शुगर किसी ने पूछा, शुगर का नाम पता होना चाहिए क्या, लैक्टोज नाम की शुगर रहती है, ये तो पक्का पता है हमें, ठीक है बाय डिफॉल्ट ये हमने जाना पहचाना हमारे लिए चीज है कि उसके अंदर क्या रहता है। ओह सॉरी वन मिनट, जस्ट एक मिनट ना, हाँ शुगर रहती है। ओके सही बात है, लैक्टोज शुगर रहती है, साथ साथ में इनके अंदर एक मिल्क प्रोटीन रहता है, देयर इज अ मिल्क प्रोटीन, मिल्क
प्रोटीन रहता है, इस प्रोटीन को भूलना मत, उसको बोलते हैं केसीन। क्या बोलते हैं? केसीन। कौन सा प्रोटीन रहता है? मिल्क प्रोटीन, केसीन। अभी जो केसीन है ना, केसीन डायरेक्टली कभी मतलब ये नहीं होता है, इट नेवर एवर डाइजेस्ट, कभी डाइजेशन नहीं होता है। तो वो केसीन को डाइजेशन करने के लिए कौन काम में आता है? केसीन को डाइजेशन काम करने के लिए रेनिन काम करता है। कौन करता है? रेनिन। समझ में आ रहा है? रेनिन का काम क्या है? केसीन को डाइजेशन करने के लिए। तो ये जो रेनिन है, रेनिन, रेनिन इज व्हाट? रेनिन किस फॉर्म में रहता है? प्रो रेनिन फॉर्म में रहता है। प्रो रेनिन किसके अंदर? स्टमक के अंदर। अब जब इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर एचसीएल जब गिरता है ना, एचसीएल गिरने के बाद क्या बनता है? रेनिन बनता है। एंड दैट रेनिन विल कम, रेनिन क्या करता है? केसिन के ऊपर एक्शन करता है ना, इसका डाइजेशन करने का काम करता है। तो स्टेप है, जब ये प्रो रेनिन, रेनिन जब केसिन के ऊपर बनता है तो उससे बनता है, इसका कन्वर्जन होता है पैरा केसिन में। किससे होता है? पैरा केसिन में होता है। और फिर इसके साथ एक कैल्शियम बाइंड होता है, कैल्शियम पैरा केसिन। और वो फिर क्या करता है, मतलब व्हाट वी कैन से, तो फिर ये इजीली क्या कर सकते हैं, उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे रिएक्शन दिया, मैं समझाता हूँ, जरा यहाँ से क्लियरिटी आ जाएगी एग्जैक्टली क्या होता है, समझो जरा ध्यान दो। सो इट विल बिकम इजी टू अंडरस्टैंड, हमें मतलब समझने के लिए आसान हो जाएगा। जरा ध्यान दो क्या होता है। केसिन है, केसिन मिल्क प्रोटीन है, उसके ऊपर क्या एक्ट करेगा? ये तो क्लियर है ना, प्रो रेनिन रहता है, प्रो रेनिन के ऊपर कौन एक्ट करता है? एचसीएल। एचसीएल एक्ट करेगा तो रेनिन, ये तो मैंने क्लियर कर दिया था, ठीक है। दूसरा चीज हम बोला था, फिर अब सिर्फ केसिन लेना, केसिन का एक मिल्क प्रोटीन है, उसके ऊपर क्या गिरेगा? रेनिन गिरेगा, तो क्या बन जाएगा? पैरा केसिन बन जाएगा। नाउ इट इज पैरा केसिन, कोई दिक्कत नहीं। अब इस पैरा केसिन के साथ क्या होता है? कैल्शियम अटैच होता है, तो क्या बोलेंगे? कैल्शियम पैरा केसिनेट। तो इसको क्या कर सकते हैं? इसको इजिली क्या कर सकते हैं? इसको इजिली एब्जॉर्ब कर सकते हैं, है ना। यस, रेनिन इज अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, बिल्कुल सही है। प्रोटीन को अभी के प्रोटीन है ना, केसिन तो प्रोटीन है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम बोल सकते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन एक चीज याद रखना, रेनिन ज्यादातर किसके अंदर मिलता है, मतलब मिलता है किसके अंदर है? जो यंग फिटस, फिटस नहीं बोल सकते, इन्फंट, छोटे बच्चे है ना, स्मॉल किड्स जो रहते हैं, जो दूध पीते बच्चे रहते हैं, उनके अंदर रेनिन ज्यादा होता है, रेनिन ज्यादा होता है, ठीक है। रेनिन नहीं मिलता है, ये चीज याद रखना, क्योंकि समझ में आ रहा है, क्योंकि मिल्क सबसे ज्यादा पीने वाले वही लोग हैं, तो उनके लिए क्या लगता है, मतलब उस लैक्टोज केसिन को डाइजेशन करने के लिए वहां पर रेनिन का मात्रा, वहां पे कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई रहता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है, उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? घटते जाता है। लेकिन आप याद रखना, सो इन द इन्फंट्स, इन्फंट बोलना गलत है, इन्फंट बोल सकते हैं, इन्फंट मतलब नए बच्चे, नवजात शिशु, या फिर जो बड़े ग्रोइंग बच्चे हैं, टिल जहां तक, जब तक दूध पीते हैं, उनके अंदर ज्यादा क्या मिलता है आपको? रेनिन ज्यादा मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है, सर पानी का कोई रोल होता है डाइजेशन में? अब ये तो बहुत सिंपल सवाल हो गया यार। अब मुझे बताओ, दुनिया के कोई भी रिएक्शन बिना वाटर के हो सकती है? एंजाइम, एंजाइमेटिक एक्टिविटी करने के लिए, कोई भी रिएक्शन करने के लिए वाटर लगता है? नहीं लगता है ना, लगेगा ना, डेफिनेटली रोल होता है। सब्सट्रेट प्लस एंजाइम जोड़ने के लिए पानी लगता है, बिना पानी के एंजाइम हो ही नहीं सकता, मतलब रिएक्शन हो ही नहीं सकता। ओके चलिए, सो अब चलिए आगे देखते हैं। ओके, दिस वाज द रिएक्शन वन स्टूडेंट, आपको जी पता होना चाहिए। और यहां बताया फिर कैल्शियम पैरा केसिनेट को फिर से क्या होता है, उसके ऊपर पेप्सिन एक्ट होता है, और फिर क्या बनता है? पेप्टोन्स बनते हैं, और पेप्टोन को क्या कर सकते हैं हम? डाइजेशन कर सकते हैं। लेकिन ये कहाँ पे होता है? खाली, और मतलब आगे की तरफ प्रोसेस बताया उन्हें, लेकिन दिस प्रोसेस इज ऑकर ओनली इन वेयर, ओनली इन द इन्फंट्स, मतलब नवजात शिशु, नए बच्चे में प्रोसेस होता, बाकी किसी में नहीं होता, पता होना चाहिए। ओके, सो द गैस्ट्रिक लाइपेज, यहाँ पे देखो क्या बोला है, गैस्ट्रिक लाइपेज हाइड्रोलाइजेस द स्मॉल अमाउंट ऑफ लिपिड, है ना, बहुत कम मात्रा में क्या करता है? लिपिड का भी डाइजेशन करता है। इट्स अ काम्बो, सब कुछ एक साथ दिया, इसलिए क्या होता है कई बार कंफ्यूजन होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे सिंपल करके समझाया तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी। अब चलिए, अब दूसरा चीज पढ़ लेते हैं। ओके ओके, चलिए पूछ लेता हूँ पहले, फिर आगे जाता हूँ। ये सबको क्लियर है भैया कि कैसे होता है स्टमक के अंदर? लास्ट वाला भी लाइन याद रखना, कैल्शियम पैरा केसिनेट के ऊपर पेप्सिन गिरता है, और फिर क्या होता है? उससे पेप्टन बनता है, और पेप्टन का आगे क्या होता है आपको पता है? इज इट क्लियर? सबको क्लियर है तो बता देना, मैंने तो आगे नहीं जाने वाला, ठीक है? ओके, वेरी नाइस, चलो ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं यार, नेक्स्ट चीज को डील करेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट? ओके, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन तो यार देखो हब है, इट्स अ डाइजेशन का पूरा क्या हब है बोल सकते हैं ना। कैसे देखो, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, चाइम जो है, चाइम ऊपर से चाइम आ रहा है ना, चाइम, चाइम आता है, तो चाइम कहाँ किसके साथ जाता है यार, देखो जस्ट 1 मिनट, दैट चाइम, चाइम आएगा, और चाइम आके क्या करेगा? मिक्सड विथ सकस एंटेरिकस एंड पैनक्रेटिक जूसेस, सबके साथ क्या करता है? मिक्स होता है, चाइम इसके साथ मिक्स हो जाएगा, ऊपर से चाइम आ रहा है, तो सकस इंटरकेस कहाँ से? आपका जो
व्हाट वी कैन से डाइजेस्टिव एंजाइम्स है ड्यूडेनम का, है ना, सकस इंटर के साथ मिक्स होगा, पैनक्रेटिक जूसेस के साथ मिक्स होगा, बाइल जूसेस के साथ मिक्स होगा, मतलब ऊपर से जो चाइन आएगा ना उसके ऊपर फटाक से अटैक होता है, किसका, पैनक्रेटिक जूसेस का, सकस इंट्रोस्कस का, बाइल साल्ट का, बाइल जूस का, सबका अटैक होगा, ठीक है। पैनक्रेटिक जूसेस प्लस बाइल रीचेस द ड्यूडेनम थ्रू द हिपेटोपैनक्रेटिक, बताने की जरूरत नहीं है, पैनक्रेटिक जूस होगा फिर या फिर बाइल जूस होगा, इन दोनों के लिए जाने के लिए, उन दोनों को जाने के लिए एक ही रास्ता है, कौन सा रास्ता है, हिपेटोपैनक्रेटिक डक्ट, सिंपल चीज है, इसमें हमें मतलब बताने की ज्यादा जरूरत नहीं, हमने पढ़ा भी इसके बारे में, ठीक है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब चलिए, अब इसमें पहले करेंगे डाइजेशन, पहले देखते हैं एक्शन ऑफ बाइल, कि बाइल क्या करता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सो वी विल वन बाय वन एक एक करके डील करेंगे, सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब देखो सिंपल चीज है, जस्ट वन मिनट, हाँ चलो ठीक है। अब एक चीज है, अब बाइल हेल्प्स इन, बाइल किस मेल करता है, बाइल हेल्प्स इन व्हाट, डाइजेशन ऑफ डाइजेशन बाय इमल्सिफिकेशन, मैंने बोला था इमल्सिफिकेशन प्रोसेस क्या रहता है, क्या रहता है सर, कन्वर्जन ऑफ फैट इनटू मिसल्स, मिसल मतलब क्या, फैट के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स, फैट को तोड़ के क्या करता है, छोटे छोटे क्या करता है, ड्रॉपलेट्स बना देता है, लेकिन एक्चुअली बाइल बोला है, लेकिन एक्चुअली काम कौन करता है, बाइल नहीं करता है, बाइल साल्ट करता है, कौन करता है, बाइल साल्ट काम करता है छोटे छोटे इसमें कन्वर्ट करने का, ठीक है, इसको बंद कर देना, वो काम करता है, सही बात है, ओके, उसी को मिसल्स बोलते, याद रखना, है ना। देखो फैट के ऊपर क्या होगा, यहाँ पे डाल दो यार, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे डाल दो, व्हाट वी कैन से, बाइल साल्ट डाल दो, बाइल साल्ट डाल दिया, जैसे बाइल साल्ट डालने से क्या हो रहा है, देखो व्हाट वी कैन से, यहाँ पे बाइल साल्ट डाल दिया, तो जस्ट वन मिनट, क्या मिल रहा है हमें, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स मिल रहे, पूरा एक देखो, पूरा का पूरा स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स मिल रहे, तो उसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं मिसल के नाम से भी जानते हैं, मिसल्स, इज आर कॉल्ड एज मिसल्स आल्सो, ये कौन काम कर रहा है, बाइल साल्ट कर रहा है, बोलो नहीं तो बाइल बोलो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों भी एक ही है, वो दर से ही मोल, कंफ्यूज होने की कुछ जरूरत नहीं है हमें, ओके चलिए, ओके, सो टाइनी ड्रॉपलेट में, ओके, इट प्रोवाइडेड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एक्शन ऑफ लिपिड लाइपेज ऑन द फैट एंड ऑल्सो एक्टिवेट द लाइपेज, ओके। अब क्या करता है, देखो यहाँ के बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ये बोल क्या रहा है, देखो ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, मैं लॉजिकल क्वेश्चन बताता हूँ, बोल क्या रहा है उसको समझ लेते, वॉट ही वॉन्ट टू से एग्जैक्टली, उसका कहना क्या, देखो कहने का मतलब समझो, बंदा कहना क्या चाहता है, और आपको भी लॉजिक लगाना आना चाहिए, ठीक है, नहीं तो आप खाली पढ़ रहे हो तो कुछ काम का नहीं। अब मुझे बताओ ठीक है, अभी ये देखो, ये आपका फैट है, ठीक है, इट्स अ फैट, ओके, और देखिए जरा इमेजिन करो इसके ऊपर क्या कर गया, पैनक्रेटिक लाइपेज गिर गया इसके ऊपर, चलो ठीक है, पैन या फिर मान लो पैनक्रेटिक लाइपेज डालने से पहले डालो आप बाइल साल्ट, डालो बाइल साल्ट या फिर बाइल जूस डालो, बाइल, अब ये क्या करने वाला है, इन सबको छोटे छोटे, इन सबके छोटे छोटे टुकड़े करेगा, मेड स्मॉल स्मॉल ऐसे छोटे टुकड़े बनाएगा, ठीक है, बना दिया, अब लॉजिक है मुझे बताओ, ओके, जब क्या होगा, देखिए जब लाइपेज आएगा, कौन सा लाइपेज, लाइपेज एंजाइम आएगा, क्या आएगा, लाइपेज एंजाइम, अब लाइपेज एंजाइम यहां पे आ गया, मुझे आप आंसर करो, लाइपेज एंजाइम इस वाले चीज के ऊपर इफेक्टली इफेक्ट ज्यादा दिखा सकता है, यहां पे इफेक्ट ज्यादा मिलेगा लाइपेज एंजाइम का, या फिर यहां पे इफेक्ट ज्यादा मिल सकता है, मेरा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, माय सिंपल क्वेश्चन इज दैट कि लाइपेज जो एंजाइम है इस बड़े से फैट के गोले के ऊपर ज्यादा इफेक्ट दिखा सकता है, या फिर इनके ऊपर, इन मिसल्स के ऊपर अच्छे से इफेक्ट दिखा सकता है, समझ में आ रहे हैं, कोई बच्चा भी मतलब समझ सकता है, कोई भी बच्चा भी जान सकता है ना, क्लियर है, सो क्यों, क्योंकि देखो इधर सरफेस एरिया कम है, इधर सरफेस एरिया कितना है, देखो देखो बस इतना ही सरफेस एरिया, कहां से कहां, इतना ही सरफेस एरिया, दिस इज व्हाट सरफेस, लेकिन यहां पे देखो सरफेस एरिया बढ़ गया, देखो बहुत सारा सरफेस एरिया है, इन सबका सरफेस एरिया और इसका सरफेस एरिया काउंट करेगा ना, इसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, यहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ रहा है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया क्या होगा, उतना ज्यादा क्या करेगा, ये एक्शन ज्यादा कर सकता है, एंजाइम्स आएंगे और फटाफट क्या करेंगे, इसके ऊपर ज्यादा एक्शन क्रिएट कर सकते हैं, सो व्हाट वी कैन से, तो यहाँ पे सेंटेंस वही बोल रहा है, क्या सेंटेंस बोल रहा है, देखो ही सेइंग द सेंटेंस, ध्यान दो यहाँ पे कहाँ गया वो सेंटेंस, हाँ जस्ट वन मिनट, हाँ सो व्हाट ही सेन, ये बोल रहा है देखो, इट प्रोवाइड्स व्हाट, इट प्रोवाइड्स
लार्ज सरफेस एरिया फॉर व्हाट एक्शन ऑफ लाइपेज ऑन फैट व्हाइल आल्सो एक्टिवेट लाइपेज, क्या करता है मतलब लार्ज सरफेस एरिया क्या करता है बनाता है, बताना चाहिए। ऊपर से एक और चीज बोल रहा है यहाँ पे बताना चाहिए, बाइल जो है ना, बाइल ये जो लाइपेज एंजाइम है, लाइपेज एंजाइम को बाइल साल्ट या फिर बाइल जूस ही क्या करता है एक्टिवेट करता है, बोल रहा है एनसीईआरटी की लाइन में पता होना चाहिए। लाइपेज एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए कौन काम में आता है, बाइल आता है, हमने कहीं मेंशन नहीं किया लेकिन आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ऐसे क्वेश्चन नीट के अंदर आ सकते हैं, बाइल आल्सो एक्टिवेट लाइपेज, एनसीईआरटी का लाइन है आप देख लेना मिल जाएगा आपको। सो दिस इज अबाउट व्हाट एक्शन ऑफ द बाइल। ओके ओके चलो, सो बिफोर गोइंग टू अहेड आई विल आस्क अगेन, मैं फिर से पूछ रहा हूँ कि मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया फिर नहीं आ गया, ये पुराना वाला चीज समझ में आ गया कि किस तरीके से घटनाएं होती है स्टमक के अंदर, क्लियर है सब कुछ? ओके अगर नहीं हो तो पूछना डाउट, मैं क्लियरिफाई करूंगा तभी आगे जाऊंगा, तो आगे नहीं जाने वाला मैं, ठीक है? कुछ लोग क्लियर बोल रहे, कुछ बोलो इन्होंने, अब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो और क्लियर हो जाएगा, फिर से समझ में आ जाएगा, ठीक है? चलो ठीक है, बहुत वेरी नाइस। अब आते कहां पे, स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ आता ना, अभी भी कहा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही है, स्टिल नाउ वी आर इन स्मॉल इंटेस्टाइन ओनली। ओके थर्ड स्टेप में अब आते एक्शन ऑफ पैनक्रेटिक जूसेस, तो पैनक्रेटिक जूसेस कैसे कैसे एक्शन करते हैं, ऑलरेडी पढ़ा है हमें सिर्फ अमाइलोपेप्सिन मतलब क्या, पैनक्रेटिक अमाइलेज का दूसरा नाम क्या है, अमाइलोपेप्सिन बोलते हैं उसको। अब क्या करता है, हाइड्रोलाइजेस द रिमेनिंग स्टार्च इनटू डाइसैकेराइड्स, ऐसा क्यों बोल रहा है ये स्टेटमेंट, ऐसा क्यों बोल रहा है, एनसीईआरटी का लाइन है, पैनक्रेटिक अमाइलेज या फिर अमाइलोपेप्सिन हाइड्रोलाइजेस द रिमेनिंग स्टार्च इनटू डाइसैकेराइड, ऐसा क्यों बोला जा रहा है, कौन बताएगा, रिमेनिंग बोल रहा है, रिमेनिंग ऐसा क्यों कहा जा रहा है, मतलब क्या बोल रहा है, जब यहाँ पे कुछ स्टार्च आता है ना उसको बचे कुछ स्टार्च को क्या करता है ये डाइजेस्ट करता है, ऐसा बोल रहा है, ऐसा क्यों बोला जा रहा है। हाँ वेरी नाइस, क्योंकि कुछ थोड़ा बहुत कहाँ पे हो चुका है, माउथ के अंदर हो चुका है, और 30% वहां हो चुका है, यहाँ पे 70% है उसके लिए बोल रहा है ऐसा ना, रिमेनिंग। ओके अब किसमें कन्वर्ट करता है, डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड मतलब क्या, माल्टोज, माल्टोज क्या है, दो ग्लूकोज, जब दो ग्लूकोज एक साथ आते हैं तो क्या बनता है, माल्टोज बनता है, वही रिएक्शन होगा, इसको अमाइलोपेप्सिन बोलो नहीं तो क्या बोल सकते हैं, पैनक्रेटिक अमाइलेज बोलो, दोनों सेम ही है, पैनक्रेटिक अमाइलेज का दूसरा नाम क्या है, अमाइलोपेप्सिन है, तो इस तरीके से बोल सकते हैं, माल्टोज आइसोमाल्टोज एंड लिमिट डेक्सट्रिन के अंदर क्या होता है, कन्वर्ट होता है, पता होना चाहिए। ओके अब चलिए आगे की तरफ चलते हैं, एंटरोकाइनेज कहां से आता है सर, एंटरोकाइनेज कहां से आता है, एंटरोकाइनेज है ना, एंट्रोकाइनिन बोल सकते हैं उसको, ये एंट्रोपेप्टिडेज रहता है, प्रेजेंट कहां रहता है, प्रेजेंट इन इंटेस्टिनल जूसेस, इंटेस्टिन के अंदर रहता है। ओके ये काम क्या करता है सर, इट एक्टिवेट्स, किसको एक्टिवेट करता है, ट्रिप्सिनोजेन प्लस, ट्रिप्सिनोजेन को एक्टिवेट करके क्या करता है, ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, हमने पढ़ा है थोड़ी देर पहले पढ़ा है, उससे ज्यादा मतलब हमें सर बिकॉज अच्छा साउंड थोड़ा कम आ रहा है क्या, ओके आएगा, मैं थोड़ा बड़ा बोलता हूँ कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, क्या करेगा ये ट्रिप्सिन को एक्टिवेट करेगा, और ट्रिप्सिन एक्टिवेट्स द काइमोट्रिप्सिनोजेनाइड प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, इसी तरह एनसीईआरटी का लाइन है, कुछ नहीं है। ओके अब देखो ट्रिप्सिन के ऊपर क्या एक्ट हो गया, इफ यू थिंक अबाउट ट्रिप्सिन है ना, ट्रिप्सिन ट्रिप्सिनोजेन के ऊपर क्या कर गया, एंट्रोकाइनिन और एंट्रोकाइनेस, तो क्या बनता है, ट्रिप्सिन बनता है। अब ट्रिप्सिन किसके ऊपर एक्ट करेगा, काइमोट्रिप्सिनोजेन, ट्रिप्सिन किसके ऊपर एक्ट करेगा, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, दोनों सबके ये दोनों को दोनों इनएक्टिव फॉर्म थे, फिर से एक्टिव बनाया, काइमोट्रिप्सिन प्लस प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, हमने पढ़ा है अच्छे से, हाली रिवीजन कर रहा हूँ, ठीक है पता होना चाहिए। अब ये तीनों को तीनों एक्टिवेटेड फॉर्म, सब तीनों को तीनों एक्टिवेटेड फॉर्म है, ऑल दिस एक्टिव पर्सन एक्ट अपॉन वेयर, प्रोटीन पेप्टोन्स प्रोटीएजेस, सबके ऊपर ये सबके सब क्या करेंगे, एक्शन करेंगे, जब इन सबके ऊपर एक्शन होगा तो क्या होगा, सबके सब सबका कन्वर्जन किस में होगा, डाइपेप्टाइड्स में होगा। ओके अब देखिए फिर फैट, हम इसकी बात कर रहे हैं मतलब इंटेस्टाइन की, मतलब फैट के ऊपर क्या गिरेगा, लाइपेज गिरेगा, लाइपेज गिरेगा तो क्या बनेगा, डाइसैकेराइड बनेगा, फिर लाइपेज गिरेगा तो क्या बनेगा, मोनोसैकेराइड बनेगा, है ना, पहले डाइसैकेराइड फिर मोनो बनता है, फिर लाइपेज गिरेगा तो क्या बनेगा, फैटी एसिड प्लस लिपिड क्या होंगे, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे। न्यूक्लिक एसिड के ऊपर क्या करेगा, न्यूक्लियस गिरेगा तो क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड बनेगा, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियस गिरेगा तो न्यूक्लियोटाइड बनेगा, न्यूक्लियोटाइड पे न्यूक्लियोटाइडेज गिरेगा तो क्या बनेगा, व्हाट वी कैन से, शुगर प्लस फॉस्फेट सेपरेट हो जाएंगे, दैट्स ऑल, इस तरीके से यहाँ पे बताएगा, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए सो दिस वाज द थिंग, अब एक्शन ऑफ इंटेस्टिनल जूसेस है ना, एंजाइम्स है ना, एंड द एंड प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। अब देखिए
अब यहाँ पे क्या बताया तेरा ध्यान दो, यहाँ पे हम बात कर सकते किसके बारे में कि डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स है जो कि इंटेस्टाइन से आता है ना, इंटेस्टाइन से कौन कौन आता है देखो, यहाँ पे डायपेप्टिडेस इंटेस्टाइन से आता है, तो डायपेप्टाइड को किसका कन्वर्ट करता है, अमाइन एसिड में कन्वर्ट करता है। माल्टेज भी इंटेस्टाइन से आता है, माल्टोज का कन्वर्जन किसमें करता है, टू ग्लूकोज में करता है। लैक्टेज भी इंटेस्टाइन से आता है, लैक्टोज का कन्वर्जन किसमें करता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में करता है। सुक्रेज भी इंटेस्टाइन से आता है, सुक्रोज का कन्वर्जन किसमें करता है, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में करता है। न्यूक्लियोटाइडेस है ना, न्यूक्लियोसाइडेस ये सब कहां से आते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड का कन्वर्जन किसमें करेंगे, न्यूक्लियोसाइड में करेंगे। न्यूक्लियोसाइडेस का कन्वर्जन शुगर प्लस बेसिस में किया जाएगा। डायग्लिसराइड प्लस मोनोग्लिसराइड का कन्वर्जन लाइपेज क्या करते हैं, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में करते हैं। ओके, और फुली डाइजेस्टेड जो सब्सटेंस है उसको बोलते हैं चाइल्ड। अब इंटेस्टाइन के अंदर क्या बोलेंगे, चाइल्ड। जब देखो बोलस जहां खा रहे थे यहां पे चाइन, इंटेस्टाइन के अंदर क्या बोलते हैं, चाइल्ड बोलते हैं। इट इज कॉल्ड एज नॉट चाइल्ड, चाइल्ड। ओके, तो ये आपको चीजें पता होना चाहिए, डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, बता दिया। ओके, सो दैट्स ऑल। तो दिस इज होल अबाउट द डाइजेशन। ओके, बट मुझे जहां तक पता चल रहा है जो एनसीईआरटी के अंदर दिया बहुत क्लम्सी करके दिया, जो हमने उस वाले पीपीटी के अंदर पढ़ा था मैंने, है ना, पीपीटी के थ्रू पढ़ाया था, वो बहुत क्लियरिटी देता है, उससे बहुत सारा क्लियरिटी आता है। ओके, सबसे मतलब क्या बोल सकते हैं, कंफ्यूजिंग पार्ट बच्चों को ही रहता है, दिस इज मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट। कोई पढ़ेगा ना बोलेगा मेरे को नहीं करना ये सब, ये रट्टा मार के बैठेगा, लेकिन रट्टा मारने से कुछ होने नहीं वाला, लॉजिकल वे से जाएगा ना, तो इट विल बिकम इजी फॉर यू। ओके, तो आई होप आपको क्लियरिटी आ चुका होगा कहाँ पे कैसा डाइजेशन होता है। लेकिन आप काम करो, जो मैंने पहला तरीका बताया था उसी के थ्रू जाओ, फर्स्ट प्रोटीन का लेना, फिर कार्बोहाइड्रेट का लेना, फिर लिपिड का लेना, दैट विल बिकम बेटर फॉर यू। और फिर उसके अंदर एक्स्ट्रा चीजें ऐड कर सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड कर लेना एनसीईआरटी के अंदर, जो एक्स्ट्रा पॉइंट इसको ऐड कर लेना, इट विल बिकम बेटर फॉर यू। मैं डायरेक्टली अगर ऐसे एनसीईआरटी से बताता ना, सब लोग ऐसा हाथ लगा बढ़ते, क्या यार क्या पढ़ा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मास्टर, ठीक है ना, सो इट विल बिकम ईजी। ओके, चलो, सो अब एक बचा है हमारा, किसका, डाइजेशन ऑफ फैट बचा ना, फैट का डाइजेशन बचा है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन आप करोगे तो बेटर रहेगा, देखते हैं। चलो ठीक है, आप क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करोगे तो बेटर रहेगा ना, एक पॉइंट बचा है उसको हम ये करते हैं, जस्ट एक मिनट होगा, एक मिनट होगा। अब कुछ कुछ पॉइंट है इसमें, कुछ खास तो कुछ है नहीं। अब देखो ये तो क्लियर है, अब जितना सारा डाइजेशन है सब कुछ है, वो तो हार्मोन उसके लिए लगते हैं ना, हार्मोन तो लगेंगे है ना, गैस्ट्रिन हार्मोन लगता है, कोलोसिस्टोकाइनिन हार्मोन लगता है ना, न्यूरॉन का भी मतलब यहाँ पे रोल है ये, तो ऐसा बोल रहा है, कुछ ज्यादा खास चीज नहीं है। डाइजेस्टिव एक्टिविटीज आर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिक्रीशंस आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूरल एंड हार्मोन मैकेनिज्म, तो हार्मोन प्लस न्यूरॉन, उस न्यूरॉन उसमें काम में आते हैं। द साइट स्मेल और द प्रेजेंस ऑफ द फूड इन द बकल कैविटी स्टिमुलेटेड बाय द सलाइवरी सिक्रीशन, ये बोल रहे हैं, स्मेल हो गया है ना, तो स्मेल है ना, या फिर आपका द पैन प्रेजेंस ऑफ फूड, फूड आ गया तो क्या होता है, कभी कभी सलावा हमारी क्या होती है, सीक्रेट होती है, ऐसा बोल रहे हैं, देखने से ये मतलब ये बता रहा है सलावा कब सीक्रेट होती है, जनरलाइज चीज है, उसमें कुछ बताने के लिए। अगर फूड को देखेंगे, अगर अब ये तो सिंपल चीज है, इमली को देखने के बाद कितने लोगों को मतलब सलावा सीक्रेट होता है, अगर आपके सामने किसी ने इमली दिखाया तो सलावा सीक्रेशन होता है, नहीं होता है, होगा ना, नहीं होगा, हाँ, देखने मात्र से साइट, कभी कभार स्मेल करने से, कभी कभी स्मेल करने से क्या होता है, मतलब सलाइवा सीक्रेट होता है, और कभी कभी माउथ के अंदर जाने का सलाइवा, मतलब तीन रीजन बताए सलाइवा सीक्रेशन के, मतलब कुछ खास चीज नहीं, जनरल चीज है, इसलिए कुछ बताने की जरूरत नहीं। ओके, ओके, एंड ओके, गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टिनल म्यूकोसा सीक्रेट बाय द डाइजेस्टिव हार्मोन्स, तो ये मैंने डाइजेस्टिव हार्मोन के बारे में बताया था, गैस्ट्रिन नाम का हार्मोन है ना, वो गैस्ट्रिक जूसेस सीक्रेट करने के लिए काम में आता है ना, सिक्रेटिन नाम का एक हार्मोन है, एंड कोलोसिस्टोकाइनिन एंड विल्किमिन, ये हार्मोन के नाम है। कोलोसिस्टिन काइनिन बता सकता है, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस कोलोसिस्टोकाइनिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर नीट के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, कोलोसिस्टोकाइनिन क्योंकि बहुत फेमस हार्मोन है, अब हर जगह पे इसके ऊपर क्वेश्चन देखोगे, कोलोसिस्टोकाइनिन, कोलोसिस्टोकाइनिन, डू यू नो दिस कोलोसिस्टोकाइनिन, नहीं पता, ये हार्मोन आपका इंटेस्टिनल म्यूकोसा सिक्रेट करता है, यस, इंटेस्टिनल म्यूकोसा, व्हाट कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए काम में आता है, और वहां से क्या होता है, बाइल जूस रिलीज होता है बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन। ओके, याद रखना, गैस्ट्रिक यानी स्टमक प्लस इंटेस्टाइन का म्यूकोसा मिला के क्या करते हैं, कुछ हार्मोन रिलीज करते हैं, गैस्ट्रीन, सेक्रेटिन, कोलोसिस्टोकाइनिन एंड विल्किनिन, भैया इसको याद रखना, एग्जाम में आया था, ओके, इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है यार,
ये जो हार्मोन है ना, मैं जहां तक बोल सकता हूँ ये सब क्वेश्चन नीट के अंदर पक्का आ सकते हैं। हमें इसमें से हार्मोन पता है, सिक्रेटिन और विल्किनिन आपके लिए नया है, लेकिन ग्रैस्ट्रिन कोलेसिस्टोकिनिन तो पता हो कि ये हार्मोन के आपको नाम पता होना चाहिए। ओके चलो ठीक है, सो दैट्स ऑल। तो हम कुछ क्वेश्चन क्वेश्चन खेलते हैं और देखते हैं आपने अभी तक कितना पढ़ पाए, कितना समझ पाए, देख लेते हैं। सेमी डाइजेस्टेड एसिडिक फूड प्रेजेंट इन स्टमक इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं इसको? यस श्रीराज ने अभी तक आंसर दिया मुझे। शुभम, राधिका, भावेश, श्रद्धा, ओम, क्या बात है, सब लोग प्रेजेंट हो? बाकी लोग प्रेजेंट है नहीं? अभिषेक बहुत बढ़िया, साहिल, प्रांजल, बिल्कुल सही है। ओके गुड, चाइम बोलते हैं, गुड। मुझे लग रहा है आप सुनते हो क्लास, तो इससे पता चलता है। ओके, लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड्स फाउंड इन इनर वॉल ऑफ द स्टमक इज कॉल्ड एज, इनर वॉल ऑफ स्टमक। अच्छा ये कुछ रिलेशन में नहीं है लेकिन देख सकते हैं। सो रुगो बोलते, रुगे रुगे, हाँ वेरी नाइस। अरे ये क्वेश्चन इससे रिलेशन में नहीं है। ओके चलो ठीक है, बता था ऐसे, मैंने लिया था ये सारे के सारे क्वेश्चन। थीकोडन का मतलब क्या होता है? डेंटल फॉर्मूला क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है ना, नहीं पता क्या होगा, सब लोग फुल स्टॉप हो गए अचानक से। हाँ एक मिनट, कुछ ठीक है चलो, यहाँ पे ना मेरे ख्याल से, चलो ये अभी के इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, शाम में दिखता है अगर टाइम मिलेगा तो। ओके सो शाम में हम क्या करेंगे, कुछ बचा वाला पार्ट ये कवर अप करेंगे, ये चैप्टर आज हमारा कवर हो जाएगा। ये कुछ कुछ चीजें छोटी छोटी ऑलरेडी आपको हो चुका है, बस स्मॉल स्मॉल थिंग्स, उसको हम क्या करेंगे कवर करने की कोशिश करेंगे एंड ऑल दिस थिंग्स। ओके तो शाम की कक्षा में पढ़ेंगे हम सब, इससे हमें काफ़ी आइडिया आ जाएगा। ओके सो थैंक यू वेरी मच, सो विल स्टॉप हियर, मैं भी रुक जाते हैं और शाम की कक्षा में हम हंगामा करेंगे। सर आज खत्म होगा? हाँ आज खत्म हो जाएगा, आज खत्म हो जाएगा। मेंटी 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 कल रखेंगे। कल क्या, कल सैटरडे है क्या? लॉकडाउन में कुछ पता नहीं चलता यार सैटरडे का। हाँ तो कल मेंटी आपके लिए, ठीक है।